मैं शुरू करता हूँ। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मित्रों गौर करिएगा, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं मेरे भारत को, मैं चुप कैसे हो जाऊं। देखिए हमारे विचार बिल्कुल सीधे हैं, हम अपने राज्य में शौचालय सुविधाएं सुचारू रूप से चलाएंगे, घर घर तक शिक्षा को पहुंचाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। आपको किस आधार पर लगता है कि वर्तमान पार्टी को नहीं जीतना चाहिए? आज के युवा युवती प्रेजेंट सरकार से पूछ रहे हैं कि युवा युवती खड़े होकर कहां है हमारा रोजगार। हम इनको देंगे शौचालय सुरक्षा, महिला होने के नाते हम देंगे अपनी माताओं और बालिकाओं को सुरक्षा और देंगे बहुत सारी चीजें। और रही बात दूसरी पार्टी की, तो इनका तो ऐसा है भैया कि दारू पैसा इनका हथियार नहीं चलेगा। अब ये विचार
निकलवाएंगे। और अब देखिए एक साल बाद, साहब 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 इतना एक साल बीत गया, कुछ न पानी आया है न बिजली आई है, ना तो सड़क बनी है, शौचालय हमें और भी बहुत काम है, हमें बहुत और भी कई मुसीबतें हैं वो देखनी पड़ती है, बिजली पानी तो मामूली समस्या है, हमें और भी बहुत चीजें देखनी पड़ती है।